एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ डीएनए। कि अगर डीएनए की साइज पूछी जाए या डीएनए की लंबाई, जिस तरह से हम किसी भी चीज़ की लंबाई को हम बोलते हैं ना कि मान लो अगर हमको अपनी हाइट अगर हमको बतानी है कि मेरी लंबाई कितनी है तो हम उसको मीटर में भी बोल सकते हैं, हम उसको फिट में भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हम डीएनए की लंबाई को किस तरह से बोलेंगे, उसमें किस प्रकार की मापक इकाइयों का यूज़ करेंगे, वो आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है? द नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस इज प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रैंड, उसी को हम बोलते हैं द लेंथ ऑफ डीएनए। मैंने अभी क्या बोला? द नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस इज प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रैंड। आप सभी को पता है कि किसी भी जैसे सपोज करो ये आपका एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक, ये फिगर आपको दिख रहा है। इस डीएनए स्ट्रैंड में जितने नाइट्रोजिनस मतलब जितने आपके नाइट्रोजिनस बेसेस मौजूद होंगे उतनी ही लंबाई क्या होगी उस डीएनए खंड की मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल एक पेयर ये, दूसरा ये,
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही होगी। द नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इज प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रैंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि द लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है कि जितने भी नाइट्रोजिनस बेसिस उसमें मौजूद होते हैं वही क्या होती है, डीएनए की लंबाई कहलाती है। सिंगल स्ट्रैंड की अगर बात करें तो उसमें केवल हम काउंट करते हैं कि कितने नाइट्रोजिनस वहाँ पे बेसिस मौजूद है, लेकिन जब हम डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजिनस बेसिस के बेस पेयर को हम वहाँ पे काउंट करते हैं। दैन यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लेके रखे हैं एनसीईआरटी से देखे। जैसे एक बैक्टीरियोफेज होता है, उस बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, ऐसा वायरस, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को खाता है या बैक्टीरिया के ऊपर वो अटैक करता है, उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इज दैट क्लियर। तो फाइव, ये साइन है फाइव का ना, तो फाइव इंटू 174 पूछा जाता है, 5 × 174 की डीएनए लेंथ क्या है, या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। तो तीनों का मतलब एक ही है। अगर पूछे कि 5 × 174 दैट इज ए बैक्टीरियोफेज, तो उसका उसमें डीएनए की लंबाई कितनी होती है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 × 174 में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 × 174 में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस कितने होते हैं। तो चाहे तीन तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे, लेकिन उन सबका आंसर एक ही होगा, क्या होगा, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स या 5386 नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक, चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इसलिए यहाँ पे SS लिखा हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब इस तरह से, और इसमें 5386 नाइट्रोजिनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। ठीक, अब इसको आप याद कैसे रखोगे, इसको याद करने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हो कि 5 है, उसके बाद 5 में आप क्या करो, पहले आपने मतलब यहाँ से आप याद कर सकते हो कि 4 + 1 = 5 होता है, फिर 4 एक बार हमको जोड़ना है एक बार घटाना है, थोड़ा सा ट्रिक मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या करोगे, 4 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 4 - 3 करो, 4 - 1 करोगे तो 3 आएगा, फिर 7 + 1 करोगे तो 8 आएगा, फिर 7 - 1 करोगे तो 6 आएगा। मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको प्लस करना है फिर आपको माइनस करना है, तो देखो वही आएगा आंसर। मतलब पता है कभी कभी ना जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस को देख के या क्वेश्चन को देख के हमें उसका आंसर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन मतलब देखा गया है बहुत सारे केसेस में कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, 5 कहाँ से आएगा, 4 + 1 करके पहले प्लस करेंगे, मैंने बताया ना पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे 4 + 1 = 5, 4 - 1 = 3, फिर यहाँ पर 7 की बारी आ गई तो 7 + 1 = 8 एंड 7 - 1 = 6, तो उतने होंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड। अब लैम्डा, लैम्डा भी एक बैक्टीरियोफेज ही है, लैम्डा में क्योंकि लैम्डा जो होता है जो बैक्टीरियोफेज है उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद होता है, तो इसको देखो यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे लिखा है 48,502 बेस पेयर मौजूद है, यहाँ पे क्या लिखा है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 48,502 बेस पेयर यहाँ पे मौजूद है, इसमें लैम्डा नामक एक बैक्टीरियोफेज में। तो इसको आप किस तरह से याद रख सकते हो, 50 - 2 = 48, जैसे मन करे वैसे आप याद रखना, लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, दैट मीन्स इस तरह के ये फॉर्म में मेरे को मिलता है, और इसमें इतने बेस पेयर मौजूद है, मतलब टोटल अगर नाइट्रोजनस बेसिस की संख्या निकालनी हो तो इसका दुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ई कोलाई, सिरेशिया कोलाई इसका पूरा नाम है, सिरेशिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं,
केवल मतलब अगर हम डीएनए की लंबाई की बात करें इन ह्यूमंस में तो वो कितना होता है 3.3 × 10⁻¹⁹ बेस पेयर। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है बेस पेयर, यहाँ पे पी होगा बेस पेयर, ठीक। तो आई होप आपको ये जो पूरा जो टॉपिक था द लेंथ ऑफ डीएनए बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं, जितना भी टोटल नंबर हो न्यूक्लियोटाइड का या नाइट्रोजीनस बेसिस का उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, डीएनए की लंबाई है। अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में उसकी लंबाई निकालना बहुत ही सिंपल है, केवल नाइट्रोजीनस बेसिस की संख्या को काउंट कर लो। लेकिन अगर हम डबल हेलिकल डीएनए की बात करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स की संख्या को वहाँ पर काउंट करना पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे फाइव लैंडा इकोलर ह्यूमंस में उनके डीएनए की लंबाई कितनी होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।